फ्रेंड्स, हियर ही इज, गर्मा गर्म वड़ा पाव वाला इज हियर। चलो खाते। नहीं नहीं गोली, अभी नहीं, हम बैंक से आते वक्त खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, फिर तुम लोग ये बोलोगे कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, गोली अभी नहीं खा सकते हैं, यहाँ पे रोड पे रुकना सेफ नहीं है। नहीं यार, अभी खाते हैं ना। गोली अगर हम अभी खाने लगे तो फिर बैंक पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। 5 मिनट लगेगा सोनू, वड़ा पाव खाना है, पिज्जा थोड़ी। पिज्जा खाने में भी 5 मिनट ही लगता है। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है गोगी, वो बनने की बात है, खाने की बात नहीं है। वड़ा पाव जल्दी बनता है, पिज्जा को बनने में टाइम लगता है। जिस तरीके से वड़ा पाव देखकर गोली के मुंह में पानी आ रहा है ना, लगता नहीं इसे कोई रोक सकता है। यार सोनू, अब तक तो मैं वड़ा पाव खा चुका होता, चल ना यार। चल ना सोनू, खा लेते हैं। ठीक है ठीक है, चलो। थैंक यू गुप्ता अंकल। गुप्ता अंकल, व्हाट्स अप? अरे गोली बेटा, कैसे हो? बस मैं तो ठीक हूँ, गरम है ना? गोली तू जानता ही नहीं? अरे ऑब्वियसली, रेगुलर कस्टमर हूँ इनका। गुप्ता अंकल, 10 वड़ा पाव। 10? क्या? अरे यार मजाक कर रहा हूँ। गुप्ता अंकल, 5 वड़ा पाव कर दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, आप 4 ही दे दीजिए। ठीक है, 4 दे दो। अच्छा अंकल, मुझे ना पालक भजी पाव खाना है, आप पालक भजी पाव दे दो। हाँ अंकल, मुझे भी पालक भजी पाव दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। पालक भजी कैसा होता है देखिए जरा। कैसा? उसके बाद मुझे ये दे देना। मस्त है ना? माइंड ब्लोइंग। अंकल बज्जी बहुत मस्त है। गुप्ता अंकल का वड़ा पाव है ये, एरिया में सबसे बेस्ट है। थैंक यू बेटा। अरे इतना बेस्ट है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और खाऊं। मस्त आइडिया है गुप्ता अंकल, और 4। गोली बस, अभी बैंक भी चलना है। अरे हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार। क्या ऐसे ही बोल रहा था? अच्छा ठीक है गुप्ता अंकल, तुम मेरा इसके बाद और एक बना देना। ठीक है। वाह गोली, इसके बाद तो एक और वड़ा पाव खाएगा कि हो गया था? नहीं नहीं नहीं, गोली का हो गया। ठीक है चल चलेगा। गुप्ता जी कितने रुपए हुए? 75। ये लीजिए बेटा, छुट्टा दो ना, मेरे पास छुट्टा नहीं है। सॉरी, मेरे पास भी चेंज नहीं अंकल। अरे तो कोई बात नहीं गुप्ता अंकल, बाकी के जो 125 रुपए ना, उसके वड़ा पाव दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास चेंज है, मैं देती हूँ। अरे गोली, ये चेक पकड़, संभाल के रखना। गुप्ता अंकल, इसमें सूखा चटनी नहीं है। हाँ हाँ। ए भागो, टीएमसी वालों की गाड़ी आई। अरे भागो 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 फ्रेंड्स, भागो। जो यहाँ पे इलीगली ठेला लगाते हैं। भागता है, भागता है। खड़ा रहिए सर, इधर आइए, मैंने ठेले वाले को पकड़ लिया है। काहे रे, हैं? गलती हो गई, माफ कर दो साहब। माफ करो, तुम लोगों को साफ कर देना चाहिए। अरे कितनी बार समझाए यार, ठेला लगाना इनलीगल है और तुम्हारी ठेले की वजह से यहाँ ट्रैफिक जमा होती है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है मालूम है? क्या करें साहब, सबसे ज्यादा कस्टमर इसी एरिया में आते हैं। कस्टमर आते हैं? अरे कोई कायदे कानून है कि नहीं? घूम जा रहे ना? जी साहब, चल। ये तो मैं घर से लाया था। चलो।
चलो फ्रेंड्स अब बैंक चलते हैं, चलो। मैं तो डर ही गया था। बेचारों के ठेले हटवा दिए, इतना गलत है ना। हाँ यार गोली, लेकिन तो ये भी तो सोच कि उनकी वजह से लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। अरे चलने की जगह नहीं होती फुटपाथ पे। सही कह रहा है टप्पू, और कभी कभार इन लोगों की वजह से कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। हाँ यार मतलब तुम लोगों की बात भी सही है, लेकिन पता है फ्रेंड्स मुझे क्या लगता है, लोकल अथॉरिटीज को ना इनको एक परमानेंट जगह फिक्स करके दे देनी चाहिए। उससे क्या होगा, लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ठेले वालों का धंधा भी बंद नहीं होगा। गुड थॉट बोल। अच्छा वो चेक दे दे, मैं बैग में संभाल के रख देता हूँ। चेक दे। गुप्ता अंकल इसमें सूखा चटनी नहीं। हाँ हाँ चेक। वो चेक के नाम पर चेकमेट जैसा चेहरा क्यों बना रहा है? फ्रेंड्स मैंने चेक गुप्ता जी के ठेले पर रख दिया था। क्या क्या पुत्री, बोली तू चेक ठेले पे कैसे रख सकता है? गुप्ता जी ने वड़ा पाव में सूखा चटनी कम डाला था।